नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने डेली राशि फल में। बात करेंगे 16 तारीख की, कैसा रहेगा आप सभी का दिन, सभी राशियों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा राहु काल की कि राहु काल आपका कब से कब तक रहेगा। राहु काल रहेगा कल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो कोशिश यही कीजिएगा कि इस बीच कोई शुभ काम जो है वो ना करें। दोस्तों एक सूचना आपको देना चाह रहा था कि 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको डेली का राशिफल आपको ना मिल पाए, उसके लिए मैं अभी से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि संडे के दिन आपके आके अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि एक यूट्यूब का इवेंट है, उसमें मुझे जाना है, तो वो इवेंट की वजह से मैं रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं कर पाऊँगा। इसलिए जिन लोगों के एनालिसिस मुझे करने हैं वो एनालिसिस भी अब आपके मंडे तक ही हो पाएंगे। चलिए फिर मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो कुछ जो अगर आपके इम्पोर्टेंट काम कल कुछ हैं तो थोड़े दिन के लिए उसे टाल दीजिए तो बेटर रहेगा। हालांकि कल की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी कल बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नई योजनाओं पे और परियोजनाओं पे आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि कल का दिन जो है रिस्क ना लें, सोचें, प्लानिंग करें, बेटर दिन है, लेकिन ज़्यादा कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी प्लानिंग कल ना करें। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति जो है कल थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखा रही है आपकी, थोड़े खर्चे बढ़ते हुए कल दिखाई दे रहे हैं और पैसों की जो आवत है वो थोड़ी सी कम होती हुई कल दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर जो दिन है वो थोड़ा सा आपका नरम गरम की स्थिति जो है वो दिखा रहा है। धन निवेश के लिए तो दिन ठीक है वैसे, लेकिन उस तरह से जो है खर्चा होता हुआ कल दिखाई दे रहा है। मिथुन की बात कर लेते हैं। तो सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अधिकारियों से और थोड़ा बिजी आप रह सकते हैं, कोई नया काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उत्साह जो है वो बना आपका रह सकता है और पार्टनर से थोड़े से वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। कर की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिटेबल रहेगा दिन, हो सकता है कि कुछ नए काम भी आपको करने को मिले और पार्टनरशिप के नए प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। दिन जो है प्रेम प्रसंगों के लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। सिंह की बात कर लेते हैं। आर्थिक प्रयास जो है वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्राएं भी आपकी लाभकारी होती हुई दिखाई कल दे रही हैं, कुछ दोस्तों से मित्रों से आपका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको आगे चलकर काफ़ी हेल्प करता हुआ दिखाई देगा और सोशल लाइफ आपकी कल बढ़ती हुई दिखाई आपकी दे रही है। दोस्तों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कन्या की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा चापलूसों से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा और थोड़ा सा घर में कल आर्गूमेंट की स्थिति दिखा रहा है तो उसको थोड़ा सा बच के रहिएगा और कुछ निर्णय ऐसे लीजिए जो प्रैक्टिकल हों, ऐसे काल्पनिक निर्णय ना लीजिए जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो। स्टूडेंट से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्टनर से भी सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला की बात कर लेते हैं। रिश्तों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ प्रोग्राम्स में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कानूनी वाद विवाद जो है थोड़े से होते हुए कल दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कल चलेंगे तो बेटर रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करता हूँ। सरकारी कामों में अगर कोई फाइल अटकी हुई थी तो वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं और कहीं से धन अगर अटका हुआ था तो धन आने की उम्मीद भी कल दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटर्स आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं आपके काम को लेकर, लेकिन वो ईर्ष्या जो भी है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करते हुए चलना है। धनु की बात कर लेता हूँ। तो थोड़े से पैसों से लेके कुछ चीज़ों में उलझ सकते हैं आप, कुछ तनाव की स्थिति कल घर में भी दिखा रही है, थोड़ा स्ट्रेस वाला दिन कहूँगा कल की रह सकता है, खासतौर से घर पे। तो घर पर अगर कुछ ऐसी स्थिति बने तो मेरी आपसे यही हिदायत है कि आप अपने आप को रोक लें, अपने आप को कंट्रोल कर लें, जिससे जो है घर में कोई बात जो है वो ना बढ़े। मकर की बात कर लेते हैं। मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं, आर्थिक स्थिति भी सुधार की ओर जा सकती है कल, पुरानी योजनाएं सफल हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, प्रगति हो सकती है और सामाजिक
यानी कि सोशल नेटवर्किंग आपकी कल बढ़ती हुई कल दिखाई दे रही है। कुंभ की बात कर लेते हैं तो कामकाज के प्रति थोड़े से लापरवाह कल दिखाई दे रहे हैं। जो बातें आपने की हैं अपने दोस्तों के साथ या आपने जो वादे किए हैं वो अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो वाद विवाद की स्थिति कल हो सकती है। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें और किसी भी तरीके का जोखिम वाला काम, जोखिम वाला सौदा किसी तरीके का ना करें तो बेटर रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। कुछ नए अपॉर्चुनिटीज कल मिल सकती है। रोमांस के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा और अगर आप सर्विस करते हैं तो उस हिसाब से दिन काफ़ी अच्छा रहेगा और जोखिम पूर्ण कामों से आपको बचना चाहिए और काम में जोश आपका बढ़ता हुआ कल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कल बताया 16 तारीख का हालचाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। 2 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ बीच में क्योंकि जैसे उसमें भी आपको वीडियोस मिलेंगे, मैंने शेड्यूलिंग कर दी है। मैं नहीं हूँगा लेकिन सिस्टम आपको वीडियोस जो है वो देता रहेगा। आपको साप्ताहिक राशिफल कल शाम को मिल जाएगा, उसके बाद एक आपको पामिस्ट्री की एक वीडियो मिल जाएगी। तो शेड्यूलिंग आपको मिलती रहेंगी, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो पिछली वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ मैं रोज़ के हिसाब से बनाता हूँ तो इसमें शेड्यूलिंग जो है वो नहीं हो पाती है। लेकिन बाकी जो वीडियोस रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू टाइम वो आते रहते हैं। तो फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि 2 दिन का ब्रेक में हूँ, उसके बाद बहुत जल्दी आपके साथ हाजिर होऊंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, अगर आपको और कुछ देखना है, आपको कुछ जानना है, पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मुलाकात होगी, बल्कि कल मुलाकात होगी मेरी ही लेकिन मेरे लाइव नहीं होगी, वो आपके रिकॉर्डेड मेरी जो पुरानी वीडियो है वो आपको मिलेगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।